अजमेर के पास मदार में होम सिग्नल के पास गाड़ी संख्या 12548 साबरमती आगरा कैंट का डिरेलमेंट हो गया है, जिसके कारण इंजन और चार जनरल कोच पटरी से उतर गए। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं रेलवे की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटना स्थल पर रेलवे अधिकारी पहुंच गए और दुर्घटना राहत गाड़ी मदार पहुंचाई गई, जिसके बाद ट्रैक रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है। हादसे के बाद इस गाड़ी के रियर पोर्शन को अजमेर ले जाया गया। रेलवे की ओर से अजमेर स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। वहीं हादसे के कारणों की जाँच के लिए कमेटी बनाई गई है। गौरतलब है कि 2 माह पहले भी इस स्थान के निकट रेल हादसा हुआ था। सुबह 1 बजे यह सूचना मिली कि गाड़ी संख्या 12548 जो कि साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी, उसका अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर अवपतन हो गया। इस अवपतन कारण से इंजन के साथ चार कोच भी ढेर हो गए, और लेकिन इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई और कोई भी इंजरी नहीं हुई। और हमारे जो रेलवे के उच्च अधिकारी हैं वो तुरंत साइट पर पहुंचे हैं। हमारा दुर्घटना राहत गाड़ी जो है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है, जो प्रभावित कोचों को छोड़कर के बाकी कोच को हमने पीछे लिया है और जो हमारा डाउन ट्रैक है वो फिट दे दिया गया है। अजमेर से संवाददाता कौशल जैन इस खबर पर लगातार हमसे फोन लाइन पे बने हुए हैं। कौशल, देखिए इस मामले में अपडेट दीजिएगा, क्या ट्रेन बाकी जो ट्रेन है उनके रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है, आला अधिकारियों का क्या कहना, क्या उनसे बात हुई है? जी फातिमा, देखिए निश्चित रूप से इस रेल हादसे ने रेल प्रशासन को, रेल प्रबंधन को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है, हड़कंप मच गया है। क्योंकि इस रेल हादसे में जो आगे के चार कोचेस थे उनके अंदर रेल के पैसेंजर्स थे, वो सवार थे, और वो गनीमत रही कि ज्यादा चोटिल नहीं हुए, हादसा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों के लगी उनका उपचार करवाया गया। जहां तक बात अधिकारियों की है तो उत्तर पश्चिम रेलवे के जो मुख्य मतलब जनरल मैनेजर जो है GM मिस्टर अमिताभ, वो अजमेर पहुंच चुके हैं और उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो अप और डाउन जो ट्रैक होता है उसके डाउन ट्रैक को स्टार्ट कर दिया गया है। अब ट्रैक अभी भी बाधित है क्योंकि उसके ऊपर ये एक्सीडेंट हुआ है, और जो डाउन ट्रेन है, डाउन ट्रैक है, उसको स्टार्ट करने से जो कुछ रेलें पीछे चल रही हैं, जो लेट हुई है, अब उनकी रवानगी ली जा रही है, उनको आगे किया जा रहा है। जबकि मैं पूर्व में बता चुके हैं कि 6 जो रेलगाड़ियां थी उनको रद्द किया जा चुका है, आज वो नहीं चलेंगी, पर ट्रैक रिपेयर होने के बाद ही उन गाड़ियों का संचालन रेल जो प्रबंधन है वो करेगा। जहां तक बात करें हम तो ट्रैक के जो डायवर्जन की है, तो खुजराहो एक्सप्रेस जो आज उदयपुर से रवाना हुई, वह रेल सेवा वाया बाईपास लाइन से आदर्श नगर मदार होते हुए इसको संचालित किया जाएगा। बांद्रा टर्मिनस दिल्ली सराय रोहिला जो एक्सप्रेस है उसको भी डाइवर्ट किया गया है और ये बाईपास से होके निकलेगी। इसी के साथ तीसरी रेलगाड़ी इंदौर दिल्ली की है, उसको भी डाइवर्ट किया गया है। अहमदाबाद से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली जो रेल सेवा है इसको भी डाइवर्ट किया गया है। अजमेर रेलवे स्टेशन को छोड़कर ये संचालित की जाएगी। कौशल, क्या इस बात का कोई उदयपुर अजमेर पुष्कर और अजमेर पुष्कर की जो रेल सेवा है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, और जो रेलवे के CPRO है कैप्टन शशि किरण, उनका ये कहना है कि इस हादसे को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, और किसी भी स्तर पर जो लापरवाही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो फिलहाल इस रेल हादसे को लेकर जो अधिकारी हैं वो प्रथम दृष्टया इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि जो रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है उसे पहले क्लियर किया जाए, क्योंकि जो ट्रैफिक कहीं ना कहीं जाम है, जो अटका हुआ है उसे रवाना किया जाए। कौशल, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी दीजिएगा, क्या ट्रेन में सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है या कोई अभी भी वहां पे फंसा हुआ है?
जी फातिमा, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशंस का तो रात जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, 1:04 पर एक्सीडेंट हुआ और 1:10 पर रेस्क्यू जो है वो स्टार्ट कर दिया गया विद इन 5 मिनट्स, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट का प्लेस है ये मदार स्टेशन से ज्यादा दूरी पर नहीं है होम सिग्नल होने की वजह से। तो हाथों हाथ वहां पर जो बचाव के दल थे उन्हें भेजा गया, अजमेर से भी जो बचाव राहत गाड़ी है उसे रवाना किया गया, रेस्क्यू ट्रेन रवाना की गई। और अभी हालात देखा जाए तो जो पीछे के जो बोगी थे, जो 4 डिब्बे आगे थे जिनमें लोग कहीं ना कहीं हताहत हुए, उनको रखा गया है। बाकी के जो ट्रैक था उसको वापस अजमेर स्टेशन के लिए रवाना किया गया जी। और जो यहाँ पर घायल हुए थे उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। फिलहाल पूरी तरह से जो रेल के 4 डिब्बे उन्हें खाली करा लिया गया है, उनके अंदर किसी तरह का कोई यात्री फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन वहां पर एहतियात पूरा बरता जा रहा है जिससे किसी दूसरी तरह का कोई और हादसा ना हो। वहां पर आरपीएफ जीआरपी का जाब्ता तैनात किया गया है, क्योंकि ये दोनों ट्रैक बिल्कुल सिमिलर ट्रैक हैं और इनमें से जो अप ट्रैक है उसे स्टार्ट किया गया है। तो ऐसे स्थिति में गाड़ियों का संचालन उसके ऊपर यथावत रखने के लिए भी पूरे एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं। फातिमा कौशल, जानकारी दीजिएगा, रेलवे संचालन कब से सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा? मतलब कि अगर हम बात करें बाकी ट्रेन्स की, तो सुचारू रूप से उनके डायवर्जन को कब से शुरू कर दिया जाएगा, चाहे वो दिल्ली सराय रोहिला हो या फिर उदयपुर हो या फिर बाकी जिला है? अब जी देखिए, जहां तक फातिमा बात की जाए तो ट्रैक जो डाउन ट्रैक है उसको हरी झंडी दे दी गई है, उसको ओके अप्रूवल दे दिया गया है। उसके ऊपर जो रेल का संचालन है वो यथावत जारी है, स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन जो अप ट्रैक है वो फिलहाल डैमेज हुआ है और उसमें जो बताया जा रहा है कि लगभग 4 घंटे से 5 घंटे का समय इस ट्रैक को पूरी तरह से दुरुस्त करने में लगेगा, उसके बाद ही जो सामान्य रेल संचालन है वो संभव हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो रेलगाड़ियां हैं उन्हें एक ही ट्रैक पर चलाया जा रहा है, जिस तरह 2 ट्रैक पर रेलगाड़ी एक बार में आमने सामने से निकल जाती थी, फिलहाल अजमेर से अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन से वो संभव नहीं हो पाएगा। किशनगढ़ से मदार के बीच जो ट्रैक है उसके ऊपर सिंगल जो है वो ट्रैक है उसके ऊपर संचालन किया जा रहा है। अगले 5 घंटे बाद माना जा रहा है कि संचालन जो है वो पूर्वतः जारी हो जाएगा। फतिमा बहुत शुक्रिया कौशल, लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो साबरमती आगरा कैंट ट्रेन के 4 डिब्बे बेपटरी हो गए, जिससे बड़ा हादसा हुआ है अजमेर के मदार में। ये बड़ा रेल हादसा, जहां पे दुर्घटना के बाद रेल महकमे में हड़कंप मच गया है।